हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहित एंड यू वाचिंग सस्त टेलीकॉम। तो गाइस, हम आज अनबॉक्स करेंगे वन प्लस का नॉर्ड सी ई कोर एडिशन। जी हाँ, सी ई का मतलब है कोर एडिशन। तो वीडियो को बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये है हमारा बॉक्स, आप देख सकते हैं, और यहाँ से ये होगा ओपन। तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। बॉक्स को आपने देख लिया कि बहुत ही अच्छे पैक में आता है ब्लैक कलर, जिसका जो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है ये कलर। तो इस रैपिंग को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, इस प्लास्टिक को यहाँ से हटा लेता हूँ। और ये गाइस देख सकते हैं, ये नॉर्ड जिस पे लिखा है बहुत ज़्यादा साइन कर रहा है, और डायरेक्ट इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ओपन। यहाँ लिखा हुआ है वन प्लस नॉर्ड फाइव जी, पीछे कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखी है इसकी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओ, फ़ोन गिर गया, पर कोई बात नहीं, हम उठा लेते हैं। तो ये है हमारा फ़ोन। तो अब इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या है, क्योंकि बॉक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रखी है फास्ट चार्जर केबल। तो ये है हमारा प्लास्टिक का, और वाह क्या डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, कुछ स्टिकर्स है, ये सिम टूल है, ये है हमारा केबल, टाइप सी केबल है, बहुत ही फास्ट है। और फिर हमें देखने को मिलता है हमारे बॉक्स के अंदर हमारा चार्जर, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसको वन प्लस वैप करके चार्जर बुलाता है, जो कि बहुत फास्ट चार्जर है। 30 वॉट अडेप्टर है। तो देखते हैं बॉक्स में और क्या है। तो जल्दी से इस बॉक्स को रख लेता हूँ साइड, और ये हमारा फ़ोन, इस प्लास्टिक को मैं हटाता हूँ। सो गाइस, ये हमारा फ़ोन पतला है, छोटा है, और हल्का भी बहुत ही ज़्यादा है। मैट फिनिश के साथ आपको मिलता है प्लास्टिक बॉडी। सो फ़ोन के बॉडी के अपर साइड यहाँ पर नॉइस कैंसलेशन दे रखा है, यहाँ पर नीचे साइड में दे रखा है वॉल्यूम बटन, और यहाँ पर है जैक और स्पीकर्स, और साइड में दे रखा है यहाँ पर हमारा स्विच बटन। तो इसकी बॉडी का आपको मैंने ओवरव्यू दिखाई दिया है। अब करते हैं इस फ़ोन को जल्दी से ओपन और देखते हैं इस फ़ोन में क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंट्रो कैसा है। आपको हमारे चैनल पर ऐसे अनबॉक्सिंग देखने को मिलती रहेगी। तो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बात कर लेते हैं फ़ोन के ऑफ़र की। तो 10% कैशबैक है, 2000 रुपये का ऑन SBI क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। अ लिटल लाइटर 170 ग्राम, अ लिटल थिनर 7.9 mm, अ लिटल मोर जैक 3.5 mm। बात करेंगे इसकी चार्जिंग स्पीड की। मोर लाइफ मोर वैप, टाइम फिल्स विथ वैप चार्ज 30T+, अ बिगर बैटरी डिजर्व्स एन इवन बेटर चार्ज, वैप चार्ज 30T+ इम्प्रूव्स पावर ट्रांसफर टू ब्रिंग नोड एस ईज लार्ज कैपेसिटी बैटरी फ्रॉम 0 to 70% इन जस्ट 30 सेकेंड, जैसे 70% कर देगी आपकी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर। होल्ड ऑन टू योर पावर, नॉर्ड SE 5G पैक्स अ मैसिव 4500 mAh बैटरी, विच मीन्स योर फोन स्टेज पावर्ड लॉन्गर। बात करते हैं फ़ोन के कैमरा की। तो इसमें सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, और प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल का है। फ़ोन के कैमरा का स्पेसिफिकेशन आप हमारे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि क्या क्या मोड इसमें चालू हो रहे हैं। तो इससे लिए गए फ़ोटो एंड वीडियो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो देखिएगा, आप देख सकते हैं इससे पहले कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है स्क्रीन में, कि कैसे कैसे आप किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, या 2x कर सकते हैं, इसको आप बैक भी ला सकते हैं जूमिंग में, और फ्रंट भी ला सकते हैं। देख सकते हैं इससे आपको बिना पीछे जाए आप किसी भी फ़ोटो को ले सकते हैं। तो मैं आपको इसके कुछ सैंपल दिखाऊंगा। तो सबसे पहले लैंडस्केप में देखेंगे तो, और पैनोरामा, पोर्ट्रेट, कुछ फ़ोटोज़ आपको दिख सकती है। ये है हमारा टाइम लैप्स की कुछ वीडियो, हमारे शॉप की कुछ ग्लिम्पेस, और ये है स्लोमो वीडियो। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में इसने स्लोमो वीडियो जो है कवर करी। आप देख सकते हैं स्लोमो वीडियो अक्सर बहुत से फ़ोनों में क्लियर नहीं दिखती है। फ़ोन एक वन हैंड वंडर के साथ आपको देखने को मिलेगा। वन हैंड वंडर यूजेज अ होल लॉट ईजियर देखने को मिल सकता है आपको। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकेशंस, जनरल इन्फॉर्मेशन जो है इसकी, कलर जो है इसका आपको वाइट ब्लू देखने को मिलेगा। मॉडल नॉट सी, ब्रांड वन प्लस। फ़ोन हार्डवेयर एंड स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज का 256 GB है। प्रोसेसर इसका कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750G 5G है। फ़ोन बिल्ड एंड कॉन्वर्जेशंस के बारे में बात करूं तो हाइट इसका 15.92 cm है, विड्थ इसकी 7.35 cm है, थिकनेस इसका 0.79 cm है, वेट इसका 170 ग्राम है। फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सेंसर जो है इसका ग्रिस्कोप सेंसर कोर देखने को मिलेगा। फ़ोन का जो OS है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका ऑक्सीजन OS 11 देखने को मिलेगा आपको।
फ़ोन का जो लॉक सिस्टम है वो भी हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फेस कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये जैसे ही मैं इसको चालू कर रहा हूँ वैसे ही ये मेरे फेस को रिकॉग्नाइज करके फ़ोन को अनलॉक कर दे रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट है ये बहुत अच्छी फीचर है इसके अंदर। आप देख सकते हैं इसकी फिंगरप्रिंट भी सेम ऐसा ही है जो कि बहुत ही फास्ट है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ किसी किसी फ़ोन में वो होता नहीं है, बहुत इरीटेटिंग होता है, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही जल्दी अनलॉक कर देगा आपके फ़ोन को। स्क्रीन डिस्प्ले एंड कैमरा की बात करें तो इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 2400x1080 का है। सेल्फी कैमरा बता चुके हैं हम आपको, इसका 16 मेगापिक्सल का स्क्रीन साइज़ इसका 16.33 सेंटीमीटर मींस 6.43 इंचेस का है और डिस्प्ले टाइप इसका एमोल्ड है। बात करें एडिशनल फीचर्स के तौर पे, जो इसका 64 मेगापिक्सल है वो 6P लेंस के काम करेगा, 8MP मेगापिक्सल जो वाइड का करेगा, 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम का करेगा प्राइमरी कैमरा। 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट उसका 20:9 है। डिस्प्ले एविडेंट डिस्प्ले डार्क मोड और रीडिंग मोड के साथ आपको देखने को मिलेगी। बट आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी इस फ़ोन के अंदर, इसमें अलर्ट स्लाइडर नहीं है। जी हाँ, अलर्ट स्लाइडर इससे पहले जो फ़ोन था वो उसमें ज़्यादातर वन प्लस अपने फ़ोन में देता था, पर इस बार अलर्ट स्लाइडर नहीं दिया, तो ये बहुत ही गलत किया, पर छोड़िए कोई बात नहीं। ये फ़ोन आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 6 128GB ₹23,000, 8 128GB ₹24,000, 25,000, 12256 मीन्स दिस फोन ₹28,000। देखा जाए तो हमें 3 वैरायटी दिया तो ये अच्छा है। देखते हैं फ़ोन में कौन सा स्लॉट दिया गया है, तो यहाँ से ओपन कर देते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है, तो ड्यूअल सिम स्लॉट आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। ऑल द सम अप हम देख सकते हैं कि इसमें अलर्ट स्लाइड नहीं दिया गया है और पीछे जो है ग्लास बैक नहीं है, बट इसके जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है, गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है इसमें, जो आप देख सकते हैं 90Hz की रिफ्रेश रेट देखेगा और AMOLED डिस्प्ले की वजह से इसमें गेमिंग बहुत अच्छी चलती है। तो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, परचेस करने लायक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इस फ़ोन के बारे में कुछ भी। सो गाइस, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।